मुद मंगल में संसमाज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, जीवन में गुरु की क्या आवश्यकता होती है यह किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, सब जानते हैं। वैसे ये कहा जाता है सच्चा गुरु तो सबके अंदर बैठा हुआ है, फिर बाहर गुरु की क्या आवश्यकता है। निश्चित है कि सच्चा गुरु सबके भीतर है, ज्ञान गुरु है, विवेक गुरु है, और ज्ञान और विवेक जीव मात्र का स्वभाव है, उसकी मूल प्रवृत्ति है। ऐसा होते हुए भी बाहरी गुरु की आवश्यकता होती है। ज्ञान सबके भीतर है लेकिन उद्घाटित नहीं है। बाहरी गुरु का काम अपनी शिक्षा द्वारा उस भीतर के ज्ञान को उद्घाटित करना होता है। जैसे एक शिक्षक, यदि कोई शिक्षक बच्चों को न पढ़ाए तो क्या बिना शिक्षक से पढ़े किसी विद्यार्थी को नाना विषयों का ज्ञान हो सकता है? किताबों में ज्ञान, सारे विषयों का ज्ञान लिखा है, लेकिन किताब पढ़ने मात्र से ज्ञान नहीं होगा। किताबों में लिखी बातों का विश्लेषण करने वाला, उनकी व्याख्या करने वाला एक शिक्षक की आवश्यकता होती है। तभी उस विद्यार्थी के अंदर का जो ज्ञान है वो उद्घाटित होता है। ऐसी ही ज्ञान तो हर जीव का स्वरूप है, लेकिन वह अज्ञान और अहंता ममता के आवरण में ढका हुआ है। जब बाहर हमें गुरु मिलते हैं, गुरु को उपदेश मिलता है, गुरु हमें समझाते हैं, तो उनके उपदेश से अज्ञान और अहंता ममता का जो आवरण है वो हटता है और भीतर का ज्ञान उद्घाटित होता है। और ज्ञान उद्घाटित हो गया तब दुख खत्म हो जाता है। ज्ञान जीव का स्वरूप है लेकिन सब दुखी क्यों है? हर मनुष्य तो दुखी है, दुख कौन दे रहा है, कहां से आ रहा है? दुख का मूल कारण है हमारा अज्ञान, हमारा अविवेक। अज्ञान का अर्थ ज्ञान का अभाव नहीं है। हम अज्ञान को ज्ञान का अभाव मानते हैं, लेकिन अज्ञान ज्ञान का अभाव नहीं है। अज्ञान का अर्थ है उल्टी समझ,
जो जैसा है उसको वैसा ना समझना, किंतु कुछ का कुछ समझ लेना। अज्ञान को हम भ्रम भी कह सकते हैं, है कुछ मान रहे हैं कुछ। इसी कारण से हमारा दुख शुरू होता है। बाहर के प्राणी और पदार्थ हमारे दुख में निमित्त कारण हो सकते हैं। निमित्त मतलब एक सहयोगी हो सकते हैं, सहायक कारण हो सकते हैं। मूल कारण जिसे उपादान कारण कहा जाता है वह है हमारे भीतर का अज्ञान, अविवेक। गुरु का काम है उसी अज्ञान को मिटाना। गुरु का काम है सही ज्ञान देना, सही बोध देना। और सही ज्ञान मिल गया, सही दिशा मिल गई, अब सही दिशा में हमने चलना प्रारंभ किया तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। दिशा हमारी गलत, और गलत दिशा में चाहे जित किसी साधन से जितनी भी तेजी से हम चलें, अपनी मंजिल तक कभी पहुंच नहीं सकते हैं, क्योंकि दिशा ही गलत है। यह निश्चित है कि तेज चलने वाला व्यक्ति अपनी मंजिल में तक जल्दी पहुंचता है, लेकिन तेज चलने का अपना महत्व तो है, लेकिन चलने के पहले सोच ले दिशा कौन है हमारी, हमारी मंजिल किस दिशा में है। दिशा हमने उल्टी पकड़ ली और चल रहे हैं तेज, कभी पहुंच पाएंगे? हमारी दिशा उल्टी है। हर मनुष्य को यह सोचना चाहिए, यह समझना चाहिए, अकेले बैठ करके चिंतन मनन भी करना चाहिए कि मेरी मूल मांग क्या है, मेरी मूल आवश्यकता क्या है, क्या तलाश है मेरे में, किसकी खोज कर रहा हूं। स्वस्थ शरीर मिला है, सुंदर शरीर है, जवानी है, जीवन निर्वाह की सारी वस्तुएं उपलब्ध है, रहने को मकान पर्याप्त है, परिवार भी अनुकूल है, सारी चीजें उपलब्ध है। इसके बाद भी एक अतृप्त का अनुभव, असंतोष का अनुभव क्यों हो रहा है आदमी को? क्यों सुखी जीवन नहीं जी पा रहा है? जीव मात्र की मांग, उसमें तो मनुष्य की बात और क्या कहना। जीव मात्र की मांग एक ही है, ऐसा सुख जो कभी बिछुड़े ना, शाश्वत सुख, ऐसा सुख जिसके परिणाम में दुख ना आने पाए, शांत पूर्ण आत्मतृप्त, बस यही मांग है। और इस मांग की पूर्ति हम करना चाहते हैं बाहर से, प्राणी और पदार्थों के संग्रह उपभोग में, धन के संग्रह में, पद में, प्रतिष्ठा में, जमीन में, जायदाद में, लेकिन ये बाहर तो है ही नहीं। दिशा हमने गलत पकड़ ली, मांग गलत नहीं है। जी मात्र की मांग है शाश्वत शांत, वो मांग गलत नहीं है। हम उस हमारे सुख को खोजते हैं बाहर, दिशा गलत हो गई। जीवन हमारा भौतिक है,
मिट्टी पानी आग हवा ये जो भौतिक पदार्थ हैं इनसे हमारा जीवन बना है। इस भौतिक पदार्थों से बने शरीर को मेंटेन रखने के लिए जीवित रखने के लिए हमें कुछ भौतिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। उसके लिए आदमी अपने अपने ढंग से काम कर ही रहे हैं। किसी के पास चीजें अधिक मात्रा में इकट्ठी हो गई, किसी के पास चीजें कम मात्रा में इकट्ठी हो गई, किसी का शरीर निर्वाह थोड़ी कठिनाई से हो रहा है, किसी का शरीर निर्वाह थोड़ी अधिक सुविधापूर्ण सरलता से हो रहा है, किसी को सुविधा ज्यादा मिली है, किसी को सुविधा कम मिली है। लेकिन यदि धन में सुख खोजोगे, धन में तृप्ति खोजोगे, तो केवल धोखा खाना होगा। आज तक किसको तृप्ति दे पाया है धन? तो धन की आवश्यकता है निर्वाह के लिए और सेवा के लिए, उसके लिए काम करना है। आदमी अकेला नहीं रह सकता, इसलिए उसे कुछ सहयोगी चाहिए। तो सहयोगी मित्र में परिवार भी मिल, सहयोगी ग्रुप में परिवार मिल जाते हैं, कुछ धर्म क्षेत्र में गुरु मिल गए, मित्र मिल गए, अन्य साथी मिल गए, एक दूसरे के सहयोग से हमारा जीवन चलता है। कुछ हम देते हैं, कुछ सामने वाला देता है, लेन देन का व्यवहार है। लेकिन इस संयोजन में, इस मिलन में सुख खोजोगे तो धोखा खाओगे। जहां जब तक मिलन है तब तक सुख, और जहां मिलन का वियोग हो गया तब फिर दुख। तो दिशा हमारी गलत है। प्राणियों को नकारा नहीं जा सकता, मनुष्य के संबंध को नकारा नहीं जा सकता, पदार्थों की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन ये मात्र मैंने कहा व्यवहार और जीवन निर्वाह के साधन है, सुख के साधन नहीं है, ये हमारे मंजिल नहीं है, तृप्ति के शांति के साधन नहीं है। वो सुख, वो शांत, वो आनंद आपके पास है, आपके भीतर है। आप स्वयं सुख स्वरूप है, हर व्यक्ति सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शांत स्वरूप है। लेकिन बहिर्मुखी मन, प्राणी पदार्थ पद प्रतिष्ठा कि वो दौड़ने वाला मन कभी अंतर्मुख होता ही नहीं है, तो शांति का अनुभव कैसे होगा? गुरु बताते हैं बेटा तुम्हारा सुख का जो साधन है वो बाहर नहीं भीतर है, समेटो अपने आप, मन को थोड़ा अंतर्मुख बनाओ, काम करो एक निष्काम होकर काम करो, व्यवहार करो चाहने की इच्छा छोड़ करके व्यवहार करो, सेवा पूरा कर दो चाहना छोड़ दो। जितना हमारा मन निष्काम होता जाएगा, जितना हमारा मन निर्मल होता जाएगा, हमेशा मन तो मलिन बना हुआ है, राग द्वेष ईर्ष्या घृणा बैर विरोध काम क्रोध लोभ मोह अहंता ममता तू तू मैं नकारात्मक बातें जो नहीं सोचना चाहिए, ऐसी ऐसी बातें सोच सोच करके हमने अपने लिए दुखों का एक जखीरा बटोर लिया है, चारों तरफ दुखों का एक परकोटा खींच लिया है, अब निकलना मुश्किल हो रहा है। ये अहंता ममता जब तक कटेगी नहीं, बाहर से पाने की आशा जब तक मिटेगी नहीं, तब तक दुख खत्म नहीं हो सकता। और गुरु हमें यही बताते हैं, गुरु का यही काम है। इसलिए बाहरी गुरु की आवश्यकता होती है भीतरी गुरु को जगाने के लिए। सुख का खजाना बाहर, आनंद सिंध अहंता तीता। श्री रामदास साहब ने कहा है आनंद का सिंधु कौन हो सकता है? आनंद का सिंधु हर व्यक्ति के भीतर लहरा रहा है, लेकिन अनुभव कैसे होगा? अहंता तीता, अहंता से अतीत हो जाने पर, अहंता अहंकार मोह इसका त्याग देने पर आनंद का अनुभव होगा।
हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि मैं दिनहीन नहीं हूं, मैं मलिन नहीं हूं, पवित्र राम रूप में परम पुनीता। हर व्यक्ति राम रूप है, परम पवित्र है, निर्मल है, लेकिन मन की मन और इंद्रियों की चंचलता मलिनता के कारण उसका अनुभव नहीं हो रहा है। गुरु का काम है उस हमारी जो वास्तविकता है उस वास्तविकता का बोध देना, अविद्या अंधकार को दूर कर देना। उपनिषद में एक मंत्र आया है, शायद उपनिषद नहीं है, वेद का मंत्र है, जिसका भाव यह है, आचार्य उपनय मानो ब्रह्मचारिणम कृणते गर्भमंतः तम त्रिस रात्रि उदरे विभर तम जातम द्रष्टुमभिजन्ति सेवा द्रष्टुमभिजन्ति देवा। गुरु आचार्य उपनय मान, उपनय के दो अर्थ होते हैं, उप दूसरा नय नेत्र, आचार्य गुरु दूसरा नेत्र देने वाला, एक हमारी आंख बाहर की ओर है जिसे हम बाहर को देखते हैं, गुरु भीतर के नेत्र देने वाले होते हैं विवेक और विचार का नेत्र जिसे हम दुनिया की वास्तविकता को समझते हैं। तो आचार्य उपनय मान गुरु ज्ञान और विवेक विचार के नेत्र देने वाले हैं। उपनय का अर्थ होता है अपनी तरफ खींचना, निकट बैठ खींच लेना। आचार्य उपनय मानो, जो आचार्य है गुरु है शिष्य को अपने निकट खींच लेता है। ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमंतः, और खींच करके साधक शिष्य को अपने गर्भ में ले लेता है, जैसे माँ गर्भ शिशु का पालन पोषण गर्भ बच्चे को गर्भ में पालती पोसती है माँ, ऐसे ही आचार्य गुरु शिष्य को अपने गर्भ में ले लेता है। गर्भ क्या शरण में ले लेता है। तम त्रिस रात्र विद्रे विभर, उसको तीन रात तक अपने गर्भ में रहता है, पेट में रखता है, और तीन रात के बाद वो साधक गुरु के उदर से बाहर आता है, तम जातम उसे पैदा हो जाता है, बाहर हो जाता है, तम देवा अभिशयन उसके दर्शन के लिए देवता आते हैं। मतलब ये तीन रात्रि क्या है, आधी दैविक आधी भौतिक और आध्यात्मिक अविद्या। विस्तार पर नहीं जाऊंगा, बंद करने वाला हूं मैं। अविद्या ही रात्रि है, इस अविद्या की रात को गुरु की शरण में रह, गुरु के गर्भ में रह करके काट देता, मतलब गुरु की शरण में रह करके जब ज्ञान प्राप्त कर लेता है शिष्य तो अविद्या की रात कट जाती है। अब सारी अविद्या खत्म हो गई, सारा ज्ञान खत्म हो गया, जब गुरु के गर्भ से बाहर निकल कर आया, ज्ञान से परिपूर्ण होकर साधना परिपूर्ण होकर के, तब सज्जन भक्त लोग उसके दर्शन के लिए उसके पास आते हैं। गुरु का काम यही है कि अविद्या की रात को खत्म करके ज्ञान का उजाला जीवन में कर देना। इसलिए बाहरी गुरु की आवश्यकता है, भीतर का गुरु सबके पास बैठा हुआ है, कहां जागृत हो पाता, क्यों हम दुखी हैं। मैंने कहा था दुखी है अज्ञान के कारण, ज्ञान स्वरूप है लेकिन उसका पता नहीं है। गुरु उसी अविद्या आवरण को दूर करके ज्ञान का जो स्रोत है उसको उद्घाटित कर देता है। अब सह समझा जा सकता है कि ऐसे गुरु का कितना उपकार होगा। सदगुरु कबीर की एक साखी है, सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। अनंत जिसका कभी अंत ना हो वो कौन है, ये जीव अनंत है, इसका कभी नाश नहीं होता। गुरु उस अविनाशी आत्मा का बोध दे देते हैं, देह नाशवान है, आज है कल नहीं रहेगी,
लेकिन देख भीतर रहने वाला जो चेतन है वो अविनाशी है। लोचन अनंत अनादिकाल से चली आई हुई अविद्या का जो मारा पड़ा हुआ था अंतःकरण पर, गुरु ने उस मारा को दूर कर दिया। और जब मारा दूर हो गया, दृष्टि साफ हो गई, अनंत जो चेतन आत्मा है उसका साक्षात्कार हो गया, उसको आप ब्रह्म साक्षात्कार कह लो, आत्मा साक्षात्कार कह लो, भगवत साक्षात्कार कर लो, लेकिन वो आपका अपना अस्तित्व है। इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है। और ऐसे जो गुरु है महान करुणाशील, करुणा के सागर, जिन्होंने सच्चा बोध देकर हमारा भड़का दूर कर दिया, दृष्टि का मारा दूर कर दिया, सही मंजिल तक पहुंचा दिया, ऐसे गुरु को पार के स्मरण करने के लिए ही वर्ष में एक बार गुरु पूजा का आयोजन होता है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु चिंता जी ने कहा था कि व्यास पूर्णिमा माना जाता है। व्यास जी, जैसे उन्होंने बताया था संस्कृत साहित्य में वेद व्यास सर्वत्र छाए हुए हैं। कितना उन्होंने लिखा या नहीं लिखा, लिखने वाले दूसरे हो गए, लेकिन वेद व्यास इतने बड़े नाम कि लोगों लोग लिखते गए और वेद के नाम पर उसको समर्पित करते चले गए। महान ज्ञाता वेद व्यास, माना जाता है कि आज आषाढ़ पूर्णिमा को उनका जन्म हुआ था। और वेद व्यास जो कि बहुत प्राचीन है संस्कृत साहित्य में, गुरु माने गए, वेद शास्त्र से जुड़े हुए हैं, तो उनकी स्मृति में, वो भी गुरु है, उनकी स्मृति में और सभी गुरुओं की स्मृति में ये गुरु पूर्णिमा का आयोजन किया जाता है। हम स्वयं सोच सकते हैं यदि हमें हमारे इस वर्तमान जीवन में गुरु न मिले होते, सद्गुरु न मिले होते, संत न मिले होते, तो आज हम कहाँ भटकते होते, कितना दुखी होते, देख रहे संसार में कैसे कैसे हैं। ऐसे जो महान उपकारी गुरु हैं जिन्होंने हमें दुख से छुड़ा दिया, बंधन परिचय देकर मुक्ति का रास्ता बता दिया, ऐसे जो महान उपकारी गुरु हैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए गुरु पूर्णिमा का आयोजन किया जाता है। अपने गुरु के प्रति, सभी संतों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, उनके पावन चरणों में श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए, और साथ साथ हम उनके बताए मार्ग पर चल सकें। रास्ता उन्होंने दिया, बताया तो है, उसको कितना हम स्वीकार कर पा रहे हैं, स्वीकार नहीं कर पाए, हमारी कमजोरी है। अपनी इस कमजोरी को दूर कर उनके बताए मार्ग में एक रस चल कर अपने मंजिल तक पहुंच सके, ये साहस, एक प्रेरणा लेने के लिए एक गुरु पूर्णिमा का आयोजन है। हम प्रेरणा लें और प्रेरणा लेकर के गुरु प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करें, और श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए आप सबको प्रति में धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। पूजनीय श्री साहिब जी के आशीर्वचनों से हम लोग लाभान्वित हो रहे थे। गुरु पूजा का छोटा सा कार्यक्रम कुछ हमारी विवशताएं हैं, कुछ सरकारी आदेश हैं जिनके चलते सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी ही होगी, और साथ ही आरती का कार्यक्रम बहुत संक्षिप्त रखा गया है, तो देख करके ही संतोष कर लेंगे। और जो गतिविधियां हों, कुछ निर्देशानुसार हम प्रसाद भी नहीं बांट पाएंगे यहाँ पर, इस जगह पर, बस जो लोग आए हैं वो भोजन जरूर पा लेंगे चल करके। तो गुरु पूजा
आरती का प्रोग्राम शुरू किया जाए। हिरेन साहब जी आ जाइए। हिरेन साहब बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। गुरुदेव सद्गुरु मुक्ति दाता ते दो पदे पले पूजिए भाल चंदन को। पूजा के लिए आप लोग बाद में आइएगा, आराम से दूरी बना करके संतोष रखिए। गुरुदेव सतगुरु मुक्ति दाता ते धूप दे पले पूजिए भाल चंदन पुष्प चरणों हार गल कर जोर करो मैं आस्तुते गुरु तरण तरण दयाल हो क्षमा करो अपराध साहेब दीन जीवन बाल हो आप पार करो साहेब जानते सब माह कि मैं अधम करमी जेव सदगुरु नाही आक चोलायक गुरु करत हूँ मैं बेनते प्रभु सुनिए जो दे अधम उदारण भवहारण जीवन करत सनात के जगत स्वामी अजीत साहेब परख गुण को गह सक दया क्षमा दे जिन में आप को सो लय सके। भगत लोग जो आना है वो दाएं साइड से आए, जिधर माताएं हैं उस साइड से आ जाएं।
भव से तारक तुम्हें जन उधारक तुम्हें संत प्यारे सदगुरु दीन बंधो हमारे भव से तारक तुम्हें जन उधारक तुम्हें संत प्यारे सदगुरु दीन बंधो हमारे आप बिन है न कोई सहारा जग में देखाओ समझा विचारा आप बिन है न कोई सहारा जग में देखाओ समझा विचारा मित्र सुतदार स्वार्थ के आरे भौक धारे नित्य डूबते डुबाते सारे भव से तारक तुम चाचे नागुरु दिख नागुरु दिख आरती हो गुरु बैठ जाए।
जो लोग भी यहाँ उपस्थित हैं सब लोग भंडार घर की तरफ चलें और भोजन प्रसाद पाकर के ही जाएंगे।